गीता जाति पाति में विभाजन नहीं करती, गीता जाति पाति का विभाजन नहीं करती। कारण ममेवांशो जीव लोके जीव भूते सनातन है, मेरा विशुद्ध अंश है, सनातन अंश है, उतना ही पावन जितना भगवान स्वयं, तो बंटवारा कहाँ से करोगे। चार वर्ण साधना के कर्मोन्नत सोपाने, गीता मनुष्य मात्र को भजन का अधिकार देती है। अर्जुन यज्ञ सृष्टा मृतभुज यान तो ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सप्तमा। यज्ञ के परिणाम में ज्ञानामृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। करने का अधिकार किसको है? अर्जुन यज्ञ रहित पुरुष के लिए, मानव के लिए, दोबारे मानव तन भी सुलभ नहीं है, परलोक कैसे होगा। अर्थात यज्ञ करने का अधिकार उन सबको है जिन्हें मानव तन उपलब्ध है। आप कुत्ता नहीं जन्मे, बिल्ली नहीं जन्मे, गाय भैंस नहीं जन्मे, मानव जन्मे तो अधिकारी हैं। योग विधि यज्ञ है, यज्ञ के परिणाम में है, चित्त के निरोध और विलय काल में आत्मा विदित होगी। प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। उस ज्ञानामृत का पान करने वाला मृत्यु से परे केवल आत्मा है, ब्रह्मा भी काल पा के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। विधाता और उससे उत्पन्न दिति अदिति की संतानें, देव दानव मानव सब मरण धर्मा, आज है तो कल नहीं रहेंगे। अर्जुन केवल एक आत्मा ज्योतिर्मय है, शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकता, आकाश विलय नहीं कर सकता, ये मृत्यु से परे अमृत तत्व है, शाश्वत सत्य है, सनातन पुरुष है, अचिंत्य है, अगोचर है। चित्त का निरोध और विलय काल में ये विदित हो जाता है। प्राणों की गति पर जिस क्षण विराम लगा, न भले संकल्प उठे न बुरे, ये मन की निरोधावस्था है जिसका नाम प्राणायाम, उस समय चित्त की निरोधावस्था है। संकल्प विकल्प का नाम ही माने वही जब शांत हो गया, तो इस रिक्त स्थान में ज्योतिर्मय परमात्मा प्रसारित हो जाता है, उसके प्रत्यक्ष दर्शन का नाम है ज्ञान। उस ज्ञानामृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में स्थित हो जाता है। पहले कहा आत्मा सनातन है, अब कहा ब्रह्म सनातन है, उब्रहद है इसलिए ब्रह्म। करने का अधिकार किसको है? अर्जुन यज्ञ रहित पुरुष के लिए दोबारे मानव तन भी सुलभ नहीं है, पर लोग कैसे होगा। अर्थात करने का अधिकार उन सबको है जिसको मानव तन उपलब्ध है। ये माताएं भी मानव तन है, आप भी मानव तन हो, इसलिए अर्जुन अनित्यम असुखम लोक मीमम प्राप्य भजस्वमाम, सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर भजस्वमा मेरा भजन कर। गीता मनुष्य मात्र को भजन का अधिकार देती है और वही सनातन ब्रह्म में स्थिति प्रदान करती है। दुर्लभ मानव तन मिला तो भजन करो। गीता के अनुसार चार छह महीने आप सुमरण शुरू कर दोगे, ओम का जाप, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके, तो भगवान खुद आपको गुरु ढूंढ के दे देंगे। संत विशुद्धि मिले परित्य ही
राम कृपा करी चितवा जे ही।